मतलब पहले मुंबई, फिर गुजरात, फिर मुंबई, क्या बात है। जी मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स अप पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आकाश और मेरे साथ है हिब्बतुल्लाह कुरैशी और ऋषि कपूर। जी हाँ, खुशियों का सीजन यानी कि आईपीएल वापस आ गया है। जी हाँ, एक और त्योहार। हाँ, एक और त्योहार। मतलब देखो, क्रिकेट त्योहार से कम नहीं है। अब हार्दिक पांड्या के बारे में क्या ही कहें। पहले उसे मुंबई से निकाला, अब वो चीटी में गया, फिर मुंबई में आ रहा है। समझ नहीं आ रही मुंबई में बंदा जा क्यों रहा है वापस, क्योंकि उससे कैप्टनशिप तो मिलेगी नहीं उसे पहली बात, क्योंकि रोहित शर्मा रहेगा। जबकि कैप्टन तो पहले भी रह चुके हैं, तो देखा जाए तो अगर रोहित शर्मा के अंडर वो मतलब खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज हो सकता है, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम सोचें तो चुभ सकती है। बट उस चीज के लिए अगर राजी हो रहे हैं तो रीजन कोई बड़ा होगा। पैसा एक सीजन नहीं चला आईपीएल के मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नेक्स्ट सीजन आप हटा दो जो आपका मेन प्लेयर है। ऋषि भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही है कि ना, मतलब उनकी डिमांड जो कि वो पूरे नहीं कर पा रहे। और कई बार होता है कि यार, हाँ, वो डिमांड तो कर रहा है। टीम का एक अपना बजट होता है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, अब टीम का अपना एक बजट होता है, वो बजट को लेके चलते हैं कि इतना खर्च कर पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आप, चलो बजट दे दिया, उसके बावजूद भी अगर आप डिमांड करते हो, अब जैसे मैंने आपको इस कंपनी में रखवा रखा है, चुप कर बे कुत्ते, आपकी सैलरी से अलावा रख मांगने लगोगे, आप दो ना, आप दो ना, तो आपको तो निकाला ही जाएगा ना। पर हार्दिक पांड्या की सिचुएशन वो नहीं थी ना पहले, पास्ट में वो नहीं था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया इस बेस पे उसको मतलब रिटेन करा नहीं, जबकि उसको बोला गया था कि हम उसे ऑप्शन में ले लेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, पर वो उस अमाउंट से ऊपर जा चुका था, तो फिर गुजरात ने लिया था उसे। उसने कैप्टेंसी करी, फाइनल जितवाया, फाइनल तक एक बार लेके भी आया। देखो जी, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का ना, हार्दिक हार्ड टाइम चल रहा है। जिस तरीके से वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, इंजरी हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मैच था, शायद उसके बाद ये चीजें जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे। एक पल को मान लो कि हार्दिक पांड्या गुजरात छोड़ देता, तो उसको जो मिला है अमाउंट वो है 15 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा। मुंबई की तरफ से उसको ऑफर हुआ है 15 करोड़ रुपए में, उसके पहले भी उतनी ही थी ऑप्शन में बेड में। गुजरात ने इससे पहले एक और ऑफर दिया था मुंबई को कि आप अपने हमें 3 खिलाड़ी दे दो, आप हार्दिक पांड्या ले लो। मतलब वो जैसे पहले नहीं होता तो भाई, मतलब टीम के बदले तुम ले लो, तेरी टीम में पक्का प्लेयर है, मेरे को ये दो दे दे, ये तो देते। हाँ, वो वाला सिस्टम करा था गुजरात ने, लेकिन मुंबई ने साफ मना कर दिया कि हम 3 में तो नहीं देंगे। उसमें एक नाम था कैन्यो ग्रीन का, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो मुंबई ने रिजेक्ट कर दिया। अब उसे सेकंड ऑप्शन ये दिया कि उसके 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और यार चलो, ये तो ठीक हार्दिक पांड्या की बात, ठीक है, जैसे आपने बोला कि उनका हार्दिक और हमारे गंभीर जी वो भी बहुत गंभीर है। मैंने सुना है कि उनकी भी घर वापसी हो रही है, क्या मानना है? हाँ, उन्होंने ट्वीट करके साबित कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि वो अपने घर कोलकाता जा रहे हैं, जहाँ से उनका स्टार्ट, लखनऊ उन्होंने छोड़ दिया फाइनली। अब लखनऊ को जो लीड करेंगे एज अ कोच, राहुल द्रविड़। क्या राहुल द्रविड़, उनका नाम सामने आया है। और मुझे जैसे कि वो भी टीम इंडिया को लीड कर रहे थे, वो कोच थे उनके, और हम सबने देखा है कि टीम इंडिया ने कैसी परफॉर्म की पूरे वर्ल्ड कप में, तो हमें उम्मीद है कि लखनऊ भी बहुत अच्छी परफॉर्म करने वाली है उनकी लीडरशिप में रह के। बिल्कुल। और यार नहीं मानता हूँ कि ना, मतलब जो हमारा लीडर होता है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है चीजों, बिल्कुल फर्क पड़ता है। लीडर जब अच्छे तरीके से लीड करता है ना, अच्छे अच्छे एडवाइसेस देते हैं, और वो एक एक्सपीरियंस लीडर है, सबसे बढ़िया कोच मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई नहीं है लड़ने में और खिलवाने में। मिस्टर डिपेंडेबल है भाई वो। इसने मुझे ये कैसे बोला, अच्छा तो मैं बताऊंगा ऐसा बंदा हूं। बट चलो, वो तो देखो खेल है, खेल में चलता रहता है ये सब, और होना भी चाहिए थोड़ा, गर्मी भी, गर्मी भी, तभी तो थ्रिल बनता है ना, तभी तो मजा आता है, मजा आता है एंटरटेनमेंट। अरे बैन स्ट्रोक, क्या वो खेल ही नहीं रहे, उन्होंने मना कर दिया बैन स्ट्रोक उन्होंने खेलने से। भाई इंग्लैंड के ये भारतीय खिलाड़ी, इन्होंने खेलने से मना कर दिया, कह रहे कि मुझे आईपीएल खेलना ही नहीं, ये इतने महंगे खिलाड़ी थे पिछले साल, ये करीब 15-16 करोड़ में बिके थे, 16.5 करोड़ 25 लाख रुपए में बिका था। बैन स्टोक्स अब उसने तो अपनी स्टेटमेंट दे दिया गाइस कि वो अब आईपीएल नहीं खेलने वाला। वजह उनकी अपनी है कि भाई क्यों नहीं खेलना, शायद दोबारा से वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए शायद खेल कर रहे हो तैयार हो। हाँ, तो वो पहले भी उसने वही करा था, पर इससे यार एक बात बताऊं, इससे पहले भी मेरी बात तो सुनो यार, वो पहले भी यही बोल के मतलब वो समझाओ जाके परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। 16.5 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा, वो खेला ही नहीं मैच यार। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पर अभी जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं आप सबसे भी बोलूंगा कि आप लोग भी इस बात पे ध्यान दें, वो ये है कि ठंडी होने का इंतजार कर रहे हैं क्या हम लोग, हद हो गई है यार।
अभी हम बात कर रहे थे सैम करन। सैम करन से पहले एक बात और थी बेन स्टोक्स के बारे में। अब जैसे कि चेन्नई छोड़ देती है बेन स्टोक्स 16.5 करोड़ रुपए, तो उसका बजट जो आएगा टोटल आएगा 30 करोड़ रुपए। ठीक है, मतलब 30 करोड़ के साथ वो बंदा पूरी टीम आईपीएल में बैठेगी ऑक्शन में। ओके, तो अब जैसे बेन स्टोक्स छोड़ रहे तो उन्हें एक ऑलराउंडर और चाहिए। एग्री, और वो बहुत तगड़ा ही चाहिए। तो वो नाम हो कौन सकता है? उनकी टक्कर पे कौन नाम आया सामने, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र आ सकता है। मैं चाहूंगा इस बात को हम डिस्कस ना करके हम हमारे ऑडियंस में एक बार आप कमेंट करके आप कमेंट करके बताएं उनके जगह पर कौन है जो इस जगह को। आप ये बताओ, जैसे रचिन रविंद्र को अगर चेन्नई लेती है तो कितने प्राइस पे लेगी? मुझे जबकि हम सबने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, वो कितने बेहतरीन प्लेयर है यार। जरूरी जो बॉलिंग कराते हैं, जो बैटिंग वो खुद करते हैं। चेन्नई में जाए क्या पता कोई दूसरी टीम ले, बजट भी तो क्या पता बना ले, बजट भी तो चेन्नई का ज्यादा है, पंजाब का भी है। 18.5 करोड़ में अगर सैम करन को रिलीज कर देती है, जो कि अभी जो बिग न्यूज निकल के आ रही है वो सैम करन को लेके भी आ रही है, पंजाब भी उसके निकालने का सोच रही है 18.5 करोड़ में, तो पंजाब का बजट भी काफी हाई रहेगा। क्योंकि तो मैंने उनकी जा सकते रीजन जो उनका निकल के आया है कि कुछ पिचेस जैसे कि वानखेड़े है, मोहाली के पिच है, धर्मशाला के पिच है, वहां उनकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास होती नहीं है, जो एक बड़ा रीजन बन सकता है। उसको सूट नहीं करती है, ऐसा पंजाब के मैनेजमेंट ने हमें कहा। और एक चीज आप भूल गए हो, जब चेन्नई की बात होती है तो महेंद्र सिंह धोनी लास्ट हमारे माही, हाँ लास्ट आई माही मार रहा है, माही मारेगा इस योर लास्ट आईपीएल, ये लास्ट आईपीएल है, उसके बाद हम शायद ही कभी मतलब एक बड़ी बड़े मैदान पे उन्हें बैट पकड़े हुए देखें। बात तो बस सोशल मीडिया और उसमें यादें उनकी जो हैं रिपीट कर करके वही देखा करेंगे हम। और यार देखो, कहानी उसी राजा की मशहूर होती है जो जीतता है, और वो ऐसा राजा है जिसने इंडिया की प्रजा को जीता है। उनके बारे में एक बात जो बहुत फेमस है वो ये कि एक था जो विकेट के पीछे था, मैच बदल और मैं अगर फोर सपोज करो महेंद्र सिंह धोनी है, वो कोच बने अगर इंडिया के, इंडिया और अभी फिलहाल तो मतलब जैसे पहले राहुल द्रविड़ थे और अब चेंज हो गए हैं वीवीएस लक्ष्मण, बट इस बार देखना ये होगा जो हमारे 11 खिलाड़ी हैं ना, 11 की 11 फॉर्म में ब्रो, और वो बट चुके हैं सबको, सबकी पता है यही तो आईपीएल है। और अब मजा आएगा देखने में जब मोहम्मद शमी सामने वाले की विकेट लेगा, अपने खुद के प्लेयर्स की विकेट लेगा, रोहित शर्मा मार रहे होंगे, शुभमन गिल मार रहा होगा, सिराज विकेट ले रहा होगा। मेरे एक दिमाग में एक चीज और चल रही है कि देखना है कि नया प्लेयर कौन निकल के आता है आईपीएल का स्टार, जैसे पहले रिंकू थे मार्च में, जिस तरीके से और खैर गाइस ये है हमारी एक वीडियो, और कोई भी सजेशन है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट करके बताओ आप कितने एक्साइटेड हो आईपीएल के लिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।